सीएम मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे, कुशाल दहिया ब्रिगेडियर होशियार सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण, मुरथल में फहराएंगे 135 फुट ऊंचा तिरंगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सोनीपत पहुंच गए हैं। उन्होंने खरखौदा के दहिया मेमोरियल में आयोजित समारोह में दादा कुशाल सिंह दहिया और परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर होशियार सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण किया। दोनों महान हस्तियों को सीएम ने नमन किया। सीएम खरखौदा में पार्टी नेता प्रीतम खोकर के घर जलपान करेंगे और फिर सोनीपत में मुरथल यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। सांसद रमेश कौशिक व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता यहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आज शाम को 4 बजे दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल डीसी RUST में स्थापित किए गए 135 फीट ऊंचे तिरंगे के साथ अटल अकादमी व आइडिया लैब को भी लोकार्पित करेंगे, साथ ही आर्किटेक्चर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 17 जुलाई को सुबह 9:15 पर खेवड़ा में 10 बजे मुरथल में कार्यकर्ताओं के आवास पर जाएंगे। सुबह 11 बजे मुरथल यूनिवर्सिटी में आएंगे और ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। डीसी ने बताया कि सीएम 17 जुलाई को दोपहर 1:10 पर सेक्टर 15 में, 1:40 पर सेक्टर 23 में अपने कार्यकर्ताओं के आवास पर जाएंगे। 17 जुलाई को सीएम गोहाना भी जाएंगे। वे 2:30 पर गोहाना में सेक्टर 7 में जाट धर्मशाला की स्थापना के लिए आयोजित भूमि पूजन में शामिल होंगे। इसके उपरांत वे सायकाल 4 बजे बरौदा मोर गांव व 4:55 पर खानपुर गांव में जाएंगे। 17 जुलाई को ही 5:50 पर गन्नौर खंड के गांव अगवानपुर में अपने कार्यकर्ताओं के आवास का दौरा करेंगे।